नमस्कार, मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे हज यात्रियों को मिलने वाली छूट को लेकर। केंद्र सरकार ने हज यात्रियों के लिए बड़ी राहत देते हुए कई तरह की छूट दी है। बता दें कि केंद्र सरकार ने हज यात्रियों को आवेदन शुल्क जो 300 रुपये जमा करने होते थे उससे जो है माफ़ कर दिया है। वहीं बगैर महरम कोटे से अकेली महिलाओं को भी आवेदन करने की छूट दी गई है। वर्तमान नियम की अगर हम बात कर लें तो बगैर महरम के कोटे में 4 के ग्रुप में महिलाओं को आवेदन करने का अधिकार दिया गया है। हज यात्रियों के लिए नए नियम में जो बदलाव देखने को मिला है उसके तहत अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय ने हज 2023 की नई पॉलिसी जारी कर हज यात्रियों को कई सहूलियत को शामिल किया गया है। इसके अलावा भारत को मिले हज सीटों के कोटों में इस बार निजी टूर ऑपरेटरों को मिलने वाले हज सीटों के कोटे में 10% तक की कटौती की गई है। आपको बता दें कि हज कमेटी ऑफ इंडिया पूरे देश में हज यात्रा कार्यक्रम को संचालित करती है। यह पॉलिसी 5 साल के लिए तैयार की जाती है। आपको बता दें कि पिछली बार साल 2018 में हज पॉलिसी तैयार की गई थी जो कि साल 2022 में समाप्त हो गई। अब इधर अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय ने पिछले दिनों हज 2023 को लेकर नई पॉलिसी जारी कर दी जिसमें हज यात्रियों के लिए कई तरह की छूट की घोषणा की गई है। जारी नए आदेश के अनुसार इस बार हज यात्रा के लिए आवेदन फ्री होगा। हज यात्रा पर जाने के लिए सभी यात्री फ्री में आवेदन कर सकेंगे। इससे पहले जो हज यात्रा की जाती थी उसके लिए जो है आवेदन करने पड़ते थे, उन्हें 400 रुपये प्रति व्यक्ति आवेदन फीस देनी होती थी। जारी नई पॉलिसी के आधार पर हज यात्रा करने वाले यात्रियों को 50,000 रुपये तक की बचत भी होगी। बता दें कि पहले आवेदन करते समय बैग, सूटकेस, छाता, चादर जैसे सामानों का पैसा लिया जाता था, लेकिन जारी नए आदेश के अनुसार हजियों को इन चीज़ों से शुल्क नहीं लिया जाएगा। अब हज यात्री अपने स्तर पर सामान खरीद कर ले जा सकते हैं। साथ ही साथ इस बार हज यात्रा पर जाने के लिए बुजुर्ग, दिव्यांग और महिलाओं को प्राथमिकता दी गई है। इस बार नई पॉलिसी में केंद्र सरकार ने हज यात्रियों के लिए BPI कोटे को समाप्त कर दिया है। ऐसे में अब VIP यात्रियों को भी आम नागरिकों की तरह, आम यात्रियों की तरह हज यात्रा करनी होगी। आपको बता दें कि साल 2012 में VIP कोटा लागू किया गया था जिसमें 500 सीटें निर्धारित की गई थी, जिसमें कि 100 सीटें राष्ट्रपति, 75 उपराष्ट्रपति, 75 प्रधानमंत्री, 50 अल्पसंख्यक कार्य मंत्री और 200 सीटें हज कमेटी ऑफ इंडिया को आवंटित की गई थी। ऐसे में अब कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति की सीटों को छोड़कर बाकी सभी सीटों को रद्द कर दिया गया है। इधर उत्तर प्रदेश हज कमेटी के चेयरमैन मोहसिन रजा ने बताया है कि नई पॉलिसी के तहत निजी टूर ऑपरेटरों की हज सीटों के कोटे में 10% तक की कटौती की गई। सरकार ने भारत के मिलने वाले हज सीटों में 80% हज कमेटियों को आरक्षित किया गया है, जबकि 20% सीटें निजी टूर ऑपरेटरों को दी जाएगी। वर्तमान समय तक 30% हज यात्रियों को निजी टूर ऑपरेटरों के साथ जाने का मौका मिलता था, उसमें जो है 10% की कटौती की गई। तो ऐसे में जो है अब 20% लोग जो है निजी टूर ऑपरेटरों के साथ हज यात्रा कर सकेंगे। भारत में अगर हम हज यात्रियों की संख्या का जिक्र करें तो सीटें कमने के बाद 1,75,025 सीटें बची है। इस नई पॉलिसी के तहत महरम महिला के साथ यात्रा के लिए एक पुरुष रिश्तेदार को रहना जरूरी होता था या फिर महिलाओं के ग्रुप में रहना होता था, लेकिन पिछले साल यानी कि अक्टूबर 2022 में सऊदी अरब सरकार ने कहा कि एक महिला यात्री को अपने साथ पुरुष अभिभावक लाना अब महिलाओं के लिए अनिवार्य नहीं है। साथ ही साथ यह भी बताया गया है कि जो लोग हज कमेटी की ओर से पहले यात्रा कर रखे हैं वे आवेदन करते हैं तो उनका आवेदन जो है योग्य नहीं माना जाएगा। साथ ही साथ स्वास्थ्य के जांच को लेकर जो है सरकारी अस्पताल में उनकी जांच करानी होगी, निजी अस्पताल में जांच उनके लिए मान्य नहीं होगा। 45 साल से ज़्यादा की हो गई, अगर आपकी उम्र 45 साल से ज़्यादा है तो कोई भी महिला जो है हज के लिए आवेदन कर सकती है। यात्रा के लिए इन 25 स्थलों का निर्धारण किया गया है जिसमें श्रीनगर, रांची, गया, गुवाहाटी, भोपाल, इंदौर, मंगलुरु, गोवा, औरंगाबाद, वाराणसी, जयपुर, नागपुर, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोची, विजयवाड़ा, अगरतला, इन स्थलों से आप जो है हज की यात्रा की शुरुआत कर सकते हैं। तो ऐसे में साल 2023 में हज यात्रियों के लिए एक नई पॉलिसी लाई गई है जिसमें कि केंद्र सरकार ने कई तरह की रियायतें दी हैं, खास करके उन महिलाओं के लिए जिन्हें पुरुषों के साथ यात्रा की अनुमति दी गई थी या फिर ग्रुप में वो जा सकती थी, उन्हें जो है इस बार छूट दी गई। और ख़ास करके हज यात्रियों को जो है केंद्र सरकार ने बड़ी राहत देते हुए 50,000 रुपये तक की राशि में छूट देने की बात
कही है। तो ये था हज यात्रा से जुड़ी हुई खबर। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।